सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर के मुताबिक मुझे अपना काम पूरा करना एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर होने के नाते ये मेरा फर्ज था। इसका मतलब मेजर भगत लेफ्टिनेंट डायना को मेनका बनाकर भेजे थे मेरे एक एक काम पर नजर रखने के लिए। यस सर। तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि इसके पीछे कोई राज है, लेकिन तुम्हें किसी ने मोहरा बनाकर भेजा है इस बात का मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा गेटअप बहुत अच्छा था। एक गांव वाली के रूप में जब मैं वहाँ हाजिर हुई तो तुम्हें परखने के लिए मुझे यही गेटअप सही लगा। इतना सब जानने के बाद भी तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी इसकी वजह तुमने नहीं बताई। रास्ते से भटके हुए तुम जैसे इंसान को जो अपना लक्ष्य भूल गया, ड्रग्स का शौक, खूबसूरत लड़कियों के साथ मजे लेना, यही तुम्हारी आदत बन चुकी है। इन सब के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब दुश्मनों के साथ मिलके तुम कहीं डबल एजेंट का काम तो नहीं कर रहे, इसी बात का शक था। तुम एक क्रिमिनल हो और गोली से उड़ा देने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था। यूनिफॉर्म के ऊपर एक के बाद एक स्टार बढ़ा के सबसे बड़ा अधिकारी बनने का जो सपना मेजर भगत ने देखा वो मेरी वजह से टूटने लगा, और जब वो अपने मकसद में नाकाम होने लगे तो वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। सर। यस, बस इतना ही नहीं, इससे पहले भी वो मुझ पे अटैक करवा चुके हैं जिससे कि मैं बच निकला था। हाँ, ये सच है। डायना, स्टीफन जब किसी पे शक करता है तो उसकी तह तक पहुंचे बिना वो लौटता नहीं। तुम लोगों की नजर में मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बट आई विल फिनिश द गेम। सर मैं अगर तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है तो तुम अब जा सकती हो। अगर आप कहें तो आपके मिशन में मैं भी आना चाहती हूँ, आप शामिल करेंगे? ओके, यू आर वेलकम। थैंक यू सर। सर, ये कौन? टीडी, दिस इज लेफ्टिनेंट डायना। सर, मेजर भगत ने इन्हें यहाँ भेजा था। अच्छा, तुम मिशन के बारे में बताओ। यस। रहमान को कहाँ छुपाया इसका पता चल गया सर। टीडी, तुम लोग यहीं पे रुको। ओके, कम ऑन। तुम लोग घबराओ मत, मैं बस यहाँ क्या हो रहा है ये सब देखकर चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं इसको साथ ले जाऊंगा। एलपी। नो, आई एम स्टीफन। स्टीफन ड्रोन। She will give you the details.